अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा वो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वो वीडियो तमिल में था, पर आप उस छोटी सी बच्ची के दर्द को समझ सकते हैं। महज 15 साल की 12th क्लास की बच्ची को इतना ज़्यादा हरास किया गया कि वो उसके स्कूल में सुइसाइड करने के लिए मजबूर हो गई, वो भी एक टीचर के वजह से। एक टीचर वो होती है जो लाइफ में जीने के तरीके को सिखाती है, पर जब एक टीचर के वजह से उसके स्टूडेंट सुइसाइड करते हैं वो एक सभ्य समाज के लिए कितना बुरा और कितना सीरियस होगा। और ऐसा ही हुआ है तमिलनाडु तंजावुर के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाली लावण्या जी के साथ। उन्होंने जनवरी 9 को खुदकुशी करने के लिए पेस्टिसाइड खा लिया था, पर क्यों? इस क्यों का जवाब ना चाहते हुए भी धर्मांतरण है। लावण्या जी को अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए उन्हीं के स्कूल के एक नन या फिर कहे उन्हीं के एक टीचर ने मजबूर किया था। और जब वो इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना करती थी, उन्हीं के हॉस्टल के वार्डन के द्वारा उन्हें सजा दिया जाता था, उन्हें हैरेस किया जाता था। अपने ही स्कूल के टॉयलेट को साफ करने से लेकर रिकॉर्ड रूम के रिकॉर्ड तक को मेंटेन करने की सजा मिलती थी, और हद तो तब हो जाती थी जब पूरे हॉस्टल को उन्हें साफ करने के लिए बोला जाता था। और एक दिन सबर का बांध टूटता है, लिमिट क्रॉस हो जाता है, और उस हैरेसमेंट से बचने के लिए लावण्या एक गलत स्टेप ले जाती थी। यहीं पर वो गलत हो गई। पता नहीं उनके पेरेंट्स को इन सब के बारे में कैसे पता नहीं चला, पर जो भी हुआ गलत हुआ। इसे हमें मानना पड़ेगा, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। सब अपने अपने धर्म को बड़ा बनाने के लिए, बड़ा जताने के लिए लगे पड़े हैं, और इसका शिकार छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। कहीं पर कोई बच्चा किसी को कन्वर्ट कर रहा है, कहीं पर किसी दूसरे धर्म को मारने के लिए या फिर गाली देने के लिए जा रहा है, और लिटरली इस गंदे धर्म के नफरत में इस तरह बच्चे फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चे दूसरे धर्म के महिलाओं को लिटरली सेल में लगा रहे हैं, और उन्हें इसका पछतावा भी नहीं है। आप सोच कर देखिए, आज इस धर्म के नफरत के वजह से हम अपने पड़ोसी से भी नफरत करने लगे हैं। अगर आप एक बार सोचें, ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, ये हो क्यों रही है, आजकल ये बढ़ क्यों रहा है, तो इसका जवाब है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ये जवाब जितना ज़्यादा सिंपल है, इसे समझना उतना ही ज़्यादा मुश्किल। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में खुलासा किया है, पर ये चीज़ बंद नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। पर क्यों? क्योंकि सब चुप है। जब भी कभी ऐसा घटना सामने आता है, मीडिया से लेकर नेता तक सब एक एक धर्म को ढूंढने लगते हैं, और हम भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। और ये धर्म ढूंढा जाता है विक्टिम का, नहीं जिसने मारा है उसका। मारने वाला अगर हमारे धर्म का है तो हम सब चुप, पर अगर दूसरे धर्म का है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर हम जस्टिस मांगते हैं और ऑपोजिट धर्म को गाली देते रहते हैं। हमें मरने वाले के अंदर इंसान नजर नहीं आती, हमें तो नजर आता है एक जान जो कि एक स्पेसिफिक धर्म का है या फिर एक जात का है। कितने अजीब हैं ना हम इंसान, पर हमें बदलना होगा। ऐसी घटना जब भी सामने आए हमें आवाज उठानी होगी। मारने वाला या फिर मरने वाला किसी भी धर्म का हो, आपके धर्म का हो या फिर दूसरे धर्म का हो, आपके जात का हो या फिर दूसरे जात का हो, आपके एरिया का हो या फिर किसी भी एरिया का हो, आपको आवाज उठानी होगी। नेता से लेकर मीडिया तक को उनके बायसनेस के लिए सवाल पूछनी होगी। क्यों वो लोग एक तरफा देख कर काम करते हैं, उन्हें सवाल पूछनी होगी। वोट के वक्त वो क्यों जाति धर्म का नफरत फैलाते हैं, हमें अपने पड़ोसी से नफरत करने को सिखाते हैं, उन्हें सवाल पूछनी होगी। तभी ये कन्वर्जन से लेके धर्म का गंदा नफरत बंद होगा, क्योंकि हम और आप जानते हैं कोई भी धर्म गलत नहीं होता। ऐसे कुछ नन और ऐसे कुछ साधुओं के वजह से हर एक धर्म इंसल्ट होता है, हर एक धर्म को गंदा बोला जाता है। पर मैं जानता हूं ये चीज बदलेगा और ये चीज रुकेगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप बदलोगे। आप एक मौत के अंदर, एक विक्टिम के अंदर एक इंसान को देखोगे, कोई धर्म या फिर कोई जात को नहीं देखोगे, क्योंकि हमें दूसरे लावण्या के लिए जस्टिस नहीं मांगनी है। वो लावण्या हो या रेशमा हो, फिर से वो रिपीट होनी नहीं चाहिए।